अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद, प्रोग्राम चलते चलते के साथ। और लिबर्टी मार्केट में आज हम मौजूद हैं और आज हम कोई बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिख ब्रादरी से। पाकिस्तान में गुरुद्वारा में दर्शन के लिए आते रहते हैं, तो उनसे बात करेंगे कैसा लगा पाकिस्तान। भारत का बारे में सोचते तो पहली चीज़ क्या आती है, पाकिस्तान के बारे में सोचते पहली चीज़ क्या आती है माइंड में, और गुरुद्वारे में जो तमाम तर मामलात हैं वो दुरुस्त हैं या कुछ बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा जो है वो रहती है वहाँ पर कोई भी जगह हो। तो बेहतरी क्या क्या लानी चाहिए ये जानेंगे, पाकिस्तानी कैसे लगे ये जानेंगे, और ये जानेंगे कि पाकिस्तानी किसी भी एक पॉलिटिशियन का नाम अगर वो जानते हैं तो हमें बता दें। तो उनसे बात करते हैं, बातचीत का आगाज़ करते हैं। सलाम सर, की नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुरजोत सिंह। कितों आए हो? मैं कनाडा तो आया। तो कनाडा तो अलावा इंडिया ना ताल्लुक है? जी हाँ, मैं लास्ट मोर देन 25 इयर्स मैं कनाडा दे विच रह रहा हूं, बट मैं ओरिजिनली आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया। इंडिया इंडिया दी सब तो चंगी चीज सानू की लगदी है, एक चीज जेडी सब तो चंगी लगदी हुन इन्नी जल्दी तो साडी जन्म भूमि है, तो यही कह सकदे कि मिट्टी ओथों दी चंगी लगदी है, और तो की कह सकदे आ। कितनी देर बाद विजिट हो जांदा है इंडिया च? नो एक्चुअली मैं लास्ट बहुत साल 20 साल तो ऊपर हो गया नहीं जा होया, तो नहीं गया 20 साल। जाना चाहते हो? या दिल तो करता है, बट हुण बच्चे फैमिली सारे उत्थे होने करके तो टाइम नहीं लगता है, तो मोस्टली नहीं जा हुंदा। दिल तो ऑलवेज करता ही है कि इस तरह के माहौल दे विच आईए, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वैसटर्न सोसायटी फॉर सो लोंग, तो जो इतने आने तो बड़ा फ्री जहा माहौल लगता, तो उत्थे बड़ा इस तरह लगता कि बड़ी स्कैजुअल्ड, एवरीथिंग इज़ वेरी स्कैजुअल्ड, तो इतने आके बहुत तो बड़ा अपनापन लगता, जिस तरह बाजार का माहौल है ये देखने नहीं मिलता उत्थे, तो फिर दिल करता कि इस तरह का माहौल जिस तरह लोग मिलते हैं वो तो सिर्फ मॉल के जिस तरह जस्ट एज ए मशीन, सो बहुत चंगा लगता, इस करके दिल तो करता। लाइफ स्टाइल तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पंजाब पाकिस्तानी पंजाब भी तुम वेख लिया हूँ, भारत का भी वेख्या हो, दोनों सिमिलैरिटीज है ना कि बहुत फर्क है? जिस तरह मैं क्या कि मैं बहुत सालों तो नहीं पंजाब रह रहा, पर जिन्ना मैं याद है जो मैं अपना बचपन गुजारिया तो पंजाब देखा, बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। कई तो मैं पंजाबी दे विच गल करना, तो कई जिहड़े शब्द है मैं कई बार हैरान हूँ कि ये भी ये शब्द वरतदे हैं, कि हो सकता कि शब्द भुल गए होण, पर बहुत सारे असी जिहड़े वर्ड्स सेम यूज़ करते हैं, खाना पीना तो थोड़ा बहुत तो फर्क हुंदा ही है, क्योंकि ओबियसली कि मोस्टली मैं फर्क देखता हाँ कि मैं नोटिस किया कि आई बिलोंग टू फार्मर्स फैमिली, असी भी पछतानी तौर पर खेतीबाड़ी करते सी, कि ट्रैक्टर्स वगैरह डिफरेंट है, ये मैं नोटिस किया कि इतने होर ब्रांड है, ये थोड़ी जी चीज़ें मैं नोटिस कीतिया, बाकी तो या बसेस वगैरह बढ़िया कलरफुल है इतने, वो थोड़ा जहा मैंने डिफरेंस नोटिस किया, बाकी तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल सेम ही है ही सेम, तो फिर सेम ही लगेगा कोई। मैं यह दसो, पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम लीए तो एक सियासतदान जिदा नाम तुहाडे ज़हन च सब तो पहले आ? देखो मैं आई एम वेरी गुड इन करंट अफेयर्स, तो मैं न्यूज़ पढ़ता रहना, तो इमरान खान तो नवाज शरीफ साहब सारे का नाम पता, आई रीड न्यूज़, सो बेहतर ख्याल क्योंकि करंट अफेयर पढ़ते रहते हो, कि लीडर तुम लगता जरा ज़्यादा बेहतर है? नहीं मैं इस चीज़ से कोई कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा, असी तो जो इमरान साहब खान साहब की हुकूमत सी, तो उन्होंने साढ़े लिए करतारपुर साहब का लांघा खोलिया, असी उन्होंने दिलों इन्ना धन्यवाद जिन्ना थोड़ा उन्हें कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा असं उन्होंने शुक्रगुजार हाँ। सेम टाइम तो हूँ असं आए तो शायद दूसरी हुकूमत है, सानू तो वह भी उन्ना ही प्यार देंदे, साढ़े लिए तो साढ़े सारे भरा, ये तो पाकिस्तानी आवाम का अपना फैसला है ना कि उन्होंने किहड़े सियासतदान चंगे लगते हैं, साढ़े लिए तो साढ़े सारे ही भरा, सानू तो सारे ही बहुत प्यारे लगते हैं, सारे ही बहुत प्यारे लगते हैं। पाकिस्तानी आवाम कुछ कहना चाहोगे? नहीं, पाकिस्तानी आवाम तो सिर्फ मैं ही कहना चाहूँगा कि सानू बहुत चंगा लगा कि मैं फस्ट टाइम ओबियसली मैं फस्ट टाइम इतने आया, तो मैं तुम्हें एक दिन का इंसीडेंट दसदा कि साढ़ा असी वी आर ट्रैवलिंग विद ए ग्रुप, असी ग्रुप के मोर दैन 150 पीपल, साढ़िया चार बसेस है, तो असी जा रहे सी अहमदाबाद लाहौर तो, साढ़े ग्रुप के दो लेडीज़ पिछे रह गए, तो सानू हाईवे के उत्ते असी गड्डी उन्होंने बसेस रोक दी कि नाल साढ़े पुलिस होंगी है, तो उन्होंने सानू बसा तो बाहर नहीं आने दिता, तो सानू वेटिंग करते करते एक दो घंटे निकल गए, तो सामने खेत के कई भरा काम कर रहे थे, जो उन्होंने सानू देखा कि इन्नी देर तो बैठे हुए हैं, तो सारे वह अमरूद तोड़ के अपने लैके आए, सानू बसा के बैठिया खुआया, तो पुलिस वाले भरा ट्रैफिक वाले से वो आए, उन्होंने साढ़े नाल गल्लां बातें कीतियां, सानू इन्ना चंगा लग्या कि असी उन्होंने पैसे भी देना चाहे कि साढ़े तो तुसी पैसे लो, पर उन्होंने नहीं साढ़े तो पैसे भी नहीं ले, तो उन्होंने इन्ना सानू इन्ना प्यारा लग्या कि सानू उन्होंने बहुत इज्जत मान दिता, तो ओवरऑल लाइक जिस तरह मैं कह रहा साढ़ा तीजा चौथा दिन ही है, जिते भी जाने सानू बहुत ज़्यादा प्यार मिलता, सानू बहुत चंगा लगता,
फ्रॉम जो मैं तुम दसदा कि जो मैं असं एयरपोर्ट पर लैंड किए तो सूँ जो रिसीव करने वाली टीम आनी सी उन्होंने शायद मिसकम्यूनीकेशन हो गई तो वो आए नहीं तो साडे पुलिस वाले इतों के पुलिस वाले जो वीर से मैं हजे भी उन्होंने नाम याद है अक्रम वीर जी जो सुन रहे होना तो उन्होंने इन्ना ज़्यादा सानू प्यार दिता उन्होंने कहता तुम इतने खड़े रहो तुम फिक्र ना करो जो तुम लैन वाले नहीं आए तो असं तुम खुद जाके छड़ के आवेंगे तो सानू उन्होंने उन्ना देर तक जान नहीं दिता जो तक साड़ी रिसीविंग टीम आ नहीं गई तो साड़ा मतलब कि कहने का मतलब कि जो असं लैंड किए फस्ट एक्सपीरियंस ही इन्ना वधिया रहा कि पता लग गया कि जो अगे वाला टाइम आ वो इन्ना ही वधिया एक्सपीरियंस रहना तो जिते भी जाने बहुत ज़्यादा प्यार मिलता मीनस वी आर ट्रीटड लाइक सैलीबरिटी इज लाइक जब साढ़े पिक्चर्स खिंचवाते हैं ये तो लाइफ कदम नहीं हो कि साढ़े को आए तो कोई पिक्चर्स खिंचवावे तो वी आर वेरी 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 आई कैन नॉट एक्सप्रैस इन वर्ड्स लाइक ईवन वर्ड्स आर शॉर्ट तो मैं तो सारे यही कहना चाहूँगा कि तुम जरूर पाकिस्तान विजिट करो तो साढ़े तो असं तो आने ही हैं होर भी जिन्हें साढ़े पंजाबी भरा सुन दिया तो तुम भी साढ़े इंडिया जाओ साढ़े मुल्क खैर कैनेडा हूँ उत्थे भी आओ तो जरूर आना चाहिए देखना चाहिए कि बहुत वधिया हैरीटेज है किन्नी किन्नी हैरीटेज एक गल मैं जरूर मैनशन करना चाहूँगा स्पैशली फॉर लाहौर राइट कि मैं आई वॉज अमेजिंग टू सी कि लाहौर दे विच इन्ने ट्रीज़ है कि आई वॉज अमेज्ड ज वरना इतने तो कैनेडा दे विच भी ट्रीज़ नहीं होंगे कि मैंने इन्ना चंगा लग्या कि किन्नी हरियाली नूं किन्ना संभाल के रख्या होया आई रियली वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट टू द अथॉरिटीज़ जिहड़े टेक केयर करते हैं कि इन्ने ट्रीज़ है ग्रीनरी आ प्लीज़ ये ग्रीनरी नूं इसे तरह संभाल के रखो मैं सुनिया सी कि लाहौर बागां दा शहर सी पर हुण ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन बड़े बाग हुण नहीं रहे पर फिर भी बहुत खुश होया कि इन्ने दरख्त है इन्ने हरियाली है ना कि प्लीज़ मेनटेन लाइक दैट इट लुक सो ब्यूटीफुल सो कीप इट ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर तो नाजरीन दरख्त लाना बहुत बेहद जरूरी है एक इंसान के जिम्मे पाकिस्तानी के जिम्मे 7 to 8 दरख्त आते हैं अपनी लाइफ टाइम लाने भी तो बाद संभालने भी है तो जरा पाकिस्तान है बहुत सरसब्जो शादाब हो सकता है अलैक्म सर की ना है मेरा नाम दुर्लभ सिंह गिल गिल साहब मुझे ये बताएं कि कैनेडा रहते हो तुम किन्ने अरसे मैं 22 साल 22 साल तो इंडिया जाने का इतफाक होंगे हाँ आते रहते इंडिया च जो तुम कैनेडा होंगे इंडिया मिस करते हो जब फिल्मा विखाई जाती ने गिप्पी गिरेवाल दी सारियाँ बड़ा मिस करते वो साड़ा विरसा है इस करके सू महसूस होंगे भी आपके वरसे ना अटैच रहिए जाते होने आने खेतीबाड़ी है साड़ी आपके घर है इतने उत्थे भी है इतने भी है सू दो पास आना जाना पास पसंद है ना तो इंडिया की सब तो पहली चीज़ जी दिमाग चाहते जो नाम लेता भारत या इंडिया कही सब तो पहला जेंज की चीज़ आती इंडिया बेस्ट देश है जिस तरह अगह वधू देश है असी ये भी अपील करांगे भी पाकिस्तान भी साढ़े होर वधे वधे फुले हाँ जी पाकिस्तान भी होर वधे मैंने आए दसो पाकिस्तानी लोग चंगे लगे था बहुत चंगे सब तो चंगी गल की लगी सारी इन्हां दी मिठी बोली सानू मिलना साडे नाल फोटोग्राफ करनी बहुत वधिया मेरा मतलब इन्हां दा बिहेवियर है तो असी भी सोचांगे भी ये पाकिस्तानी वीर जिहड़े आ उह साडे देश विच जाण मिलणगे ताकि साडा प्यार वधे आपूं विच कई पाकिस्तानी जेड़े भी इंडिया से जाते हैं बड़ा चंगा उन्होंने सलूक किया जाता है पाकिस्तान तो इंडिया में उनका मसले मसाइल हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तानी आवाम तो इंडिया की आवाम एक दूजे को वाकई पसंद करती है और देखा भी एक्सपीरियंस भी अंदर ही रहा जो है वंड है ये साढ़े देश के आपू ही उपरले लीडर है जो करते हैं पर लेकिन थले जी आम आवाम है जनता है वो बिल्कुल आपू ही प्यार करना चाहती है सिख भी चाहते हैं मुसलमान वीर भी चाहते हैं वाकई वाकई यह गल बिल्कुल सही है मैंने दसो पाकिस्तान पहला विजिट है पहला हम अगली बारी आना चाहते जो हर साल आने की कोशिश करा इमरान खान साहब ने राजदारी बनाई चंगा अमल बहुत बढ़िया आसानी हुई जा बहुत बढ़िया करतारपुर जिन्होंने असं सदियों तो उड़ीक रहे थे सू उन्होंने खोल के दिता तो वो बहुत बढ़िया इमरान खान साहब ने अजकल गोलियां लगिया हुई ने कुछ कहना चाहोगे उन्होंने असं कहने भी वो एक परफेक्ट बढ़िया लीडर है दूसरे लीडर भी आपकी जगह पर वधिया पर सानू इमरान खान का बहुत वधिया बिहेवियर लग्या बहुत इन्हें वधिया मेरा मतलब किया थोड़ी मुसलमान कम्यूनिटी वास्ते भी बहुत कुछ किया सानू चंगा लग्या मजहब लिए काफ़ी काम किया इमरान खान साहब ने कोई मैसेज दोगे गेट वेल सून या कुछ बीमार नहीं कहने भी छेती तो छेती दोबारा जित के फिर इमरान खान प्रेजेंट बने दोबारा प्रेजिडेंट बनन जी इमरान खान दोबारा जित के छेती तो छेती आवाम ने कोई मैसेज देना चाहोगे आवाम को कहोंगे भी होर तरक्की करो आपू बच्चे मिल मुल के मेरा मतलब जो साड़ी कम्यूनिटी इतनी रही है वह तो तुम ख्याल रखो थोड़ी कम्यूनिटी उत्थे रही है असं थोड़ा ख्याल रखा आपू बच्चे मिल के सलाम अलैकुम सर क्या नाम है जी मोहम्मद इकबाल जी मलिक मोहम्मद इकबाल सिंह इकबाल साहब क्या कर जी मेरा बिजनेस का काम है
हैं, तो ये आपके गेस्ट हैं जो सिख बरादरी आई हुई है? जी हमारे गेस्ट नहीं, ये हमारे दिलों में रहते हैं, हम दिलों में रहते हैं सब पाकिस्तान में। जैसे कि हम लोग बड़े मशहूर हैं इमरान खान साहब के, जिन्होंने करतारपुर खोला इनके लिए, हमारी मोहब्बतों को नज़दीक लाए। ये नहीं कि वो करतारपुर खोलने से पहले भी हम लोग सरदार फैमिली से, सबसे ये हमारे भाई हैं, इनसे बड़ी मोहब्बत है, इनको पाकिस्तान में वेलकम करते हैं, ये हमारे दिल में इनके लिए बड़ी मोहब्बत है और ये भी हमें वैसे ही प्यार करते हैं। वाकई मतलब पाकिस्तान और भारत के जो लोग हैं उनमें आपस में बड़ी मोहब्बत है, और स्पेशली जो आजकल पंजाबी फिल्में पाकिस्तान में मकबूल हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और उनकी फैमिली सिस्टम बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी फैमिली सिस्टम की। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जब इन पर नज़र पड़ती है ना तो दिल के अंदर खुशी पैदा होती है कि हमारे सरदार भाई आए हैं। ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप किसी को देख रहे हैं आप उसको खुश हो रहे हैं, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत लफ्ज़ों की नहीं है, अंदर से मोहब्बत होनी चाहिए इंसान को, तो अल्लाह भी राज़ी होता है। हमारे इस्लाम में कोई किसी मज़हब में भी चले जाए, सब उसमें मेन चीज़ जो आती है ना मैम, उसमें आता है कि आप दूसरे से प्यार करें, दूसरे को इज्जत दें, ये इंसानियत है। और इनमें जो हमने देखा, इन्होंने अपना आज तक अपना कल्चर नहीं खोया सरदार फैमिली ने। हम थोड़े से चेंज हुए हैं जरूर, आप भी समझती, थोड़े मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं मुझे लगता है। इन्होंने शुरू से लेके इन्होंने इंग्लिश स्पीच भी की, पंजाबी अपनी वो पंजाबी मादरी जुबान नहीं भूले, वो इनकी जो मोहब्बत जो पिक्चर में हम देखते हैं और वैसे भी देखते हैं, बड़ों की इज्जत रेस्पेक्ट देना, वो इनमें बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी, मतलब इतनी अच्छी पंजाबी बोलते हैं और दे फील प्राउड कि पंजाबी में बात करेंगे, और हमारे पाकिस्तानियों को आप देख लें जरा, कहते हैं नहीं जी हम तो उर्दू में भी बात नहीं करेंगे, विल स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा देखा आपने? हाँ बिल्कुल ऐसे है, लेकिन नहीं इनकी वही आप जो फरमा रही हैं ना, इनकी पंजाबी और इनकी वही लैंग्वेज वही चीज़ें, ये बड़ी एक चीज़ जो इनको एक चीज़ को संभाल के रखना अपने पास, बड़ों की चीज़ और खर्चा बड़ों का ले के चलना, ये इनमें बड़ी वो रेस्पेक्टेबल बात है। मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। दूसरा मैं आप सब एक पैगाम भी देना चाहता हूँ इनके लिए, ये हमारे पाकिस्तान में आए, हमारी मोहब्बत बढ़ेगी और इनकी चाहत और मोहब्बत हमारे दिल में बहुत ज़्यादा है। और इमरान खान के लिए हम लोग सब लोगों के लिए कहूँगा कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ये वो हमारे लिए खड़े हैं, हमारे पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। मैं एक चीज़ बताता चलूँ, इमरान खान यहाँ के ये जो बड़े लोग हैं उनके लिए नहीं खड़े, जो हमारा लीडर जो है ना उनके लिए नहीं खड़ा, इन जो हमारे जितने इमरान खान को वोट देते हैं, ओ यस यस, इमरान खान उन लोगों के लिए खड़ा जो लोग गांव में बैठे हैं, जो अब उनको भी उसने शौर दिया, जो लोग गांव में बैठे हैं जिनको पता ही नहीं था लाहौर कहाँ पे है, शहर क्या होता है, अब अभी भी ये चीज़ है, लेकिन उन लोगों को भी पता चला कि ये शख्स हमारे लिए खड़ा है, हमारे पाकिस्तान के लिए खड़ा, हमने इस पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है, उसको ये पजीराई तब मिली है, ये अल्लाह देता है। इज्जत और रिज़्क अल्लाह के इख्तियार में, ना तो मेरे इख्तियार में ना आपके इख्तियार में, ये इज्जत और सब कुछ उसने उसको दिया है और अल्लाह ताला उसको कैम रखेगा जो वो हमारे साथ है, तो उसकी नीयत अच्छी है तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और वो दुनिया में आज माना जाता है, पूरी दुनिया में माना, इंटरनेशनल लीडर है। और क्यों माना जाता है, उसने सबसे पहली बात ये है कि आप किसी भी मज़हब में चले जाएं, मैंने पहले भी कहा, जब आपके अंदर एहसास पैदा होता है दूसरे के लिए, मोहब्बत पैदा होती, दूसरे को आप ये देखते हैं कि यार ये मैं अपने आप को देखते हैं उसमें, तो एहसास पैदा होता है, तब जाके फिर इंसान के लिए ना अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह राज़ी ये नहीं होता कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, सजदे दे रहे हैं, आप दूसरे को इज़्ज़त नहीं दे रहे, दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, दूसरे का एहसास नहीं कर रहे। एक बंदे के पास कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आप उसको देख रहे नहीं है तो कोई बात नहीं, ये नहीं अल्लाह ये नहीं कहता, अल्लाह ये कहता कि दूसरे को दो एहसास, उसको अकोमोडेट करो, अकोमोडेट करें, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है और इंसानियत ही जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, और आपके लिए दुआ, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, सदा आप अपने माँ बाप के साथ अपने खुश रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। अस्सलाम वालेकुम जी, की नाम है ताडा? मेरा नाम है जी जितेंद्र पाल सिंह संधु। कितों आए हो सिंधु साहब? असि आए हाँ सिडनी तो रेंदे हैं, तो वैसे जेडे साडे बजुर्ग सन इत्थे पार्टीशन तो पहला और रेंदे सन अपना शेखुपुरे दे कोल, पाकिस्तान दे शेखुपुरे। हाँ जी, तो बहुत चंगा लगा जी इत्थे आके अपने लोगों के विच अपनी मिट्टी दे नाल अपनी जबान नाल मिल के। बेसिकली तो फिर तुसी पाकिस्तान दे होए, तो कह लो भी ट्रिकी वर्ड आ, ठीक है, तो जे वेख्या जाए तो मैं इस धरती का वहाँ, ठीक है, बाकी ना जो मर्जी कह लो,
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਦੁਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਆ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਏ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਲੋਕਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਹਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਵਾਧਵਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁੱਕਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਦੁਆਇਆ ਕਰਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਲੀਨ ਟੋਇਲਟਸ ਹੋਣ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੀਨ ਟੋਇਲਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਓਪਨ ਰੱਖੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਸਰਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਇਹ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਲਾਈਦਾ ਪਿੰਡ ਮੇਲਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਗਿੱਧਾ ਵਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਟੀ ਰੇਸ ਬੋਰੀ ਰੇਸ ਆਲੂ ਚਮਚਾ ਰੇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਨਣਾਨਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ
पूरे वधिया तो फिल्मों च सानू दिसदा भी है हर वेले जिहड़ा बड़ा रिच कल्चर हुंदा है उही लिबास जिहड़ा पहले पाया जांदा सी उही पाया जांदा सी पग जरूर बन्नी जांदी है ते मैनूं इह दस्सो पाकिस्तान च तुसीं 3 तारीख नूं आए हाँ जी 3 तारीख नूं आए सी तुहानूं पता मैं कित्थे आया कित्थे आए तुसीं दस्सो हीर जिहड़ी उह कित्थों दी सी कसूर की नहीं सॉरी कहां की है हीर कित्थों दी शेखूपुरा पंजाब दी सी मिर्जा साहिबां कित्थों दा सी पंजाब दा ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜੱਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕੇ ਨੂਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਮੀ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚਾਹੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਟੋਇਲਟ ਆ ਉੱਥੇ ਸਲਿਪਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੋਇਲਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ ਵਾਕਈ ਟੋਇਲਟ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਟੋਇਲਟ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹੀ ਘਰ ਸਫਾਈ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਟੋਇਲਟ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਬੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਨਿੰਬੋੜ ਨਾਲੋਂ ਠੰਡੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗਦਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਛਰੀ ਖੋਲੀ ਭਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਬੀ ਉੱਤੇ ਕੋਇਲ ਬੈਠੀ ਇਸਦੇ ਗੀਤ ਪਈ ਗਾਵੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਦੇ ਗਾਗਾ ਨਗਮੇ ਤੂੰ ਕਲੇਜੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਸਕੇਡੀ ਜਾਂ ਬਾਜਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖੋਲੀ ਭਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ ਦਾ ਨਾਨਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਕੇਸ ਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੌਲਾ ਲਾਂਦੀ ਜਿਸਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਖੋਲੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖੋਲੀ ਭਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਵਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਬੰਨੇ ਦੀ ਏ ਮਾਏ ਬੰਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਰ ਖੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਵਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਚਾਕ ਨੂੰ ਆਜਾਂ ਮਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਖੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੈਣ ਪਈ ਵੀਰੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਗਾਵੇ ਲਟਕੇਂਦੇ ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਛਿੰਦਿਆ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚਿੜੇਨੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚਿੜੇਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੈਣ ਪਈ ਵੀਰੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਗਾਵੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗਾਗਾ ਟੱਪੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਾ ਸੁਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਤੋਰੀ ਡੋਲੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਗਾ ਸੁਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਤੋਰੀ ਡੋਲੀ ਭਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਯਮਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮਾਣੇ ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹਨੂੰ ਗਾਵੇ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਮੋਤੀ ਪਿਆ ਲਟਾਵੇ ਭਈ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਆਲੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬੋਲੀ
पाकिस्तानी आवाम नूं कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं पाकिस्तानी आवाम नूं नहीं मैसेज देना चाहुंदा, मेरा मैसेज जिहड़ा जे गुरुआं ने इंसानियत दा मैसेज दिता ते साडा भी फर्ज बनदा अं चंगे इंसान बनीए। जे दुनिया विच प्यार ना हुंदा, कोई किसे दा यार ना हुंदा, चन्न सूरज ना तारे हुंदे इन्ना सुंदर संसार ना हुंदा। जे दुनिया विच प्यार ना हुंदा, असी प्यार दियां अमन दियां बातां पाईए ते सब तो चंगी गल इहो ही साडा मैसेज आ। दुनिया दे उत्ते सब तो वड्डी बीमारी जिहड़ी अनपढ़ता ते एक जागृति, साडे लोकां च जागृति नहीं, जागृति आउणी बहुत जरूरी आ, अवेयरनैस ते अनपढ़ता साडी दूर होवे ते सारे लोग जिहड़े उहनां नूं खाण नूं गुड फूड ते उहनां दा गुड मूड होवे, उहनां दे रहण वास्ते गुड घर होण, सारे बराबर होण, सारे खुश रहण ते खुशहाल रहण, साडी इह कुदरत दे अगे दुआ। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो नाजरीन, शऊर जो है बेहद ज़रूरी है, इल्म पढ़ाई से शऊर आता है और इसके अलावा आता है शऊर, जो अगर आप पढ़े लिखेंगे और अवेयरनेस होगी तो ऑब्वियसली शऊर अवेयरनेस को ही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह है जी। जसपाल सिंह साहब कितों आए हो? मैं जी हॉलैंड तो आया। हॉलैंड तो आए हो तो पिछों भारत दे हो? हाँ जी, अमृतसर साडा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, मैंने ऐ दसो कि पहले इंडिया की गल कर लेंगे, इंडिया जनों कितनी देर बाद जाते हो? इंडिया हर साल जाइदा जी। हर साल जाइदा है। जनों इंडिया का नाम लेंदे सब तो पहले ज़ेहन च की चीज़ आती है, घर नज़र आता है, अख बंद करके इंडिया का नाम लो तो की ज़ेहन च सब तो पहली चीज़ आती की माँ आती है, घर आता, माँ तो हमेशा ही, मैं तो इतने खड़ी होकर सोचा मैंने घर च अपनी माँ ही दिसी। सानू इस तरह होंगे कि बाहर रहन करके अपने देश का पहले याद आती है, भी जिते असं पले हाँ, वे हुए हैं, खेडे हाँ, माँ प्यो ने जन्म दिता वो याद आते हैं, फिर माँ प्यो आ, फिर अपना चगिरदा अपना कल्चर याद आ, सारिया चीज़ें याद आ, कल्चर याद आता है। मैंने ऐ दसो कि कितने ज़्यादा मज़ा आता सी रहिंदा, इंडिया च या फिर भारत उत्थे बाहर? इस तरह ना कि मज़ा तो इंडिया दे विच आ ते पाकिस्तान विच आ, पर इत्थे कानी वंड हो रही है, इत्थे लोकां नूं इंसानां नूं इंसान समझा नहीं जाता, तो असी यंग जनरेशन जिहड़ी हुंदी आ उहनां भी खाशां हैगियां ने कि उहनां कोल सोहणा कार सोहणी गड्डी होनी चाहीदी आ, इस करके असी बाहरले देशां विच मजदूरी करके भी असी मान नाल जी सकदे हां। इत्थे सारे लोग जिहड़े हुंदे ओह हेराफेरी नहीं करना चाहुंदे हुंदे, इस करके उहनां नूं पैसे दी तां जरूरत हैगी आ ना, इस करके असी बाहर जांदे आ, पर जो घर जो सुख सजू दे चबारे ना बलख ना बखारे। ये हुण मैं पिछे एक बार आया सा तो मैंने बार बार आया कि असी भी लाहौर चली गए, असी भी जाइए। महाराजा रणजीत सिंह ने इत्थे राज कीता, उदों सिखां दी जिहड़ी गिनती सी 1% सी, 80% मुसलमान रहिंदे सी, पर वो सारे खुश सी, सारे उस वेले रल के रहिंदे सी। ते ब्रिटिश ने 200 साल इंडिया उत्ते राज कीता, पर पंजाब उत्ते 100 साल ही कर सके आ, वो भी उन्होंने छेती नहीं सी आउण दित्ता, पर महाराजा रणजीत सिंह नूं उहदी मौत करके उहदे बच्चे नूं 9 साल दे नूं इत्थों इंग्लैंड लै गए, उहनूं क्रिश्चियन बना दित्ता ते फिर उन्होंने इत्थे राज कीता हैगा। ते साडे दरियावां नूं फिर 47 दे विच वंड दित्ता गया, साडे लोकां नूं वंड दित्ता गया कि आपस विच लड़दे रहण, कितें तरक्की नहीं होगी। असीं हुण चाहुंदे आ कि जिहड़े बार्डर आ बिल्कुल खुल जाणे चाहीदे आ, तुसीं जदों मर्जी अमृतसर जाओ, उत्थे फिल्मां देखो, शॉपिंग करो, असीं जदों मर्जी इत्थे आईए। हुण साडी गोभी जिहड़ी आ असीं उत्थे कल परसों सड़कां दे उत्ते सुट्टी हैगी आ, तो इतने 200 रुपये नूं किलो विक रही है, तो क्यों नहीं इतों इतने आ सकती जो साड़ियां मिर्चा कलकत्ते जांदियां वा 6000 किलोमीटर, तो इतों तक कसूर साढ़े को 5 किलोमीटर आ, साइकलों के उत्ते लोग इतने खड़ सकते हैं। सीमेंट इतों हो के बंबे थानी जाके तो सानू 2000 की बोरी मिलती है, जी इतों साइकिल से जाओ तो 500 की बोरी मिल सकती है। सरहदा ने बहुत वंड पाती, सरहदा ने नहीं वंड पाई, जी सा पॉलिटिशियन आ ना, इन्हें सानू वंड के लोगों को बेवकूफ बना के रखा है, नहीं तो असं सारे लोग जो खुश होइए खुशहाल होइए। इन्हां ने की कर दिया कि इन्हां बाहरले देशों तो हथियार खरीदने होंगे आ, सारा पैसा वो लै जाते, साडा देश गरीब का गरीब रह जाता, ना किसी के घर चंगी टॉयलेट हैगी, ना किसी का कोई चंगा बच्चा पढ़ सकता, ना कोई हॉस्पिटल का खर्चा भर सकता, महंगाई दिनों दिन वधदी जा रही है, जो लोगों ने खाना पीना उन्होंने तो इन्ना मिल नहीं रहा है, तो है ना जो सानू हथियार खरीदने की कोई लोड़ नहीं, क्योंकि असी आपो अपने घर बैठे हाँ, फजूल की तार लाई है, वह कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं, असी तरक्की करिए, असी रल के रहिए, एक दूजे नाल मिल के रहिए, उहदे विच साडा प्यार साडा नॉलेज जिहड़ा दिमाग वधदा है। यूरोप के कंट्रियां च असी रहिंदे, उन्होंने एक करंसी की आ, हर बार्डर उत्ते लिखिया वेलकम टू हॉलैंड वेलकम टू फ्रांस, इत्थे 2-2, 4-4 घंटे जिन्हों वीजा मिल जाता उन्होंने खज्जल खराब किया जाता, वो गौरमेंट की हैगी है कि इन्हों इस तरह बना के असी जो पैसा इन्होंने लोगों को लुट के तो इन्होंने दस दे रही कि नहीं वो दुश्मन है, दुश्मन कह दें असी,
ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੱਕ ਆ, ਦੋ ਕੰਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸੁਮਨ ਧੀ ਵਰਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੋਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਹਡਿਆਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਡਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਧੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਸਲਾਦ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਆਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਯੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਕਈ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਫਲ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਵਾਮ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਸਰ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਆ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਖਸੂਸੀਆਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ੇ ਜੋ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਸਰਹੱਦੇ ਹੈ ਵੋ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਮੇਂ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਓ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਲੀਏ। ਤੋ ਯੇ ਤਮਾਮ ਤਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੋ ਟਾਇਲਟਸ ਹੈ ਵੋ ਵਹਾਂ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਟ ਕਲੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਫਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਂ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜਿਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋ ਵੋ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਆਪਨੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਤਰਾਰਾ ਸੇ ਹਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਗਾਹ ਕਰੇਂ। ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਹੋਗਾ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।